आरक्षण का जो रण है वो पूरे भारत में आज बंद के तौर पर नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई संगठन ऐसे हैं जो आज सड़कों पर आ गए हैं और भारत बंद का ऐलान 14 घंटे के लिए किया गया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये भारत बंद का फैसला सुनाया गया, यानी कि जो संगठन है वो भारत बंद करके अब अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आरक्षण बचाओ समिति ने ये भारत बंद बुलाया है। भारत बंद को बीएसपी और आरजेडी का समर्थन सीधे तौर पर मिला। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। अस्पताल और दवाई की दुकानें बंद नहीं होंगी, एम्बुलेंस सेवा भी जारी रहेगी, उसमें कोई भी अड़चन ना आए इस बात का ख्याल संगठन रख रहे हैं। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है, दवाई अस्पताल इमरजेंसी से जुड़ा हुआ एम्बुलेंस चुकी होता है, ऐसे में वो प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन आरक्षण को लेकर भारत में पूरे देश में बंद का असर दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन संगठनों को पसंद नहीं आया। आज आरक्षण बचाओ समिति ने ये भारत बंद बुलाया है। भारत बंद को सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी और आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस समर्थन दे रही हैं और सीधे तौर पर ये भी जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि जातीय जनगणना देश में होनी चाहिए, हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में बंद का असर दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा असर है वो बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, देश के बाकी हिस्सों में भी इस बंद का असर दिख रहा है। शक्ति इंडिया न्यूज संवाददाता बिहार से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अफसर दिल्ली से मेरे साथ में हैं, इस खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, सुबह की शुरुआत हुई है और अब धीरे धीरे इस आंदोलन की, इस बंद की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी रचना, बिल्कुल, देखिए बिहार में बंद का असर काफी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में, पटना समेत जो कई जिलों में बंद समर्थक जो है सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए। अभी हम मौजूद है पटना के बेउर जेल के पास, ये बाईपास एरिया का इलाका है और आप देखिए यहाँ से बस स्टैंड और बाईपास है, यहाँ से बाहर बिहार के विभिन्न जिलों में जो है लोग गाड़ियाँ यहाँ से जाती है। आप देखिए तस्वीरों में जो बंद समर्थक है वो आगजनी कर रहे हैं, टायरों को जला के उन्होंने आगजनी कर रखा है। साथ ही साथ ट्रकों की आप लंबी एक लाइन देख सकते हैं, जो गाड़ियों का जो आवाजाही है ये सुबह से ही जो है प्रभावित है। बंद समर्थकों ने बांस के बैरिकेटिंग कर दी है और तमाम जो गाड़ियां हैं जो पटना से बाहर जा रही थी या पटना आ रही थी, उन तमाम गाड़ियों को जो है रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ जो बंद समर्थक है वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। कुछ बंद समर्थक हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उनकी जो मांग है उस मांग के बाद ये सड़कें क्यों जाम कर रखा है, उन्होंने ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए तस्वीरों में पटना का बेउर जेल है और यहाँ पर जो है बाईपास का एरिया है और यहाँ से तमाम जो जिलों के लिए सड़कें जाती है। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रखा है आप लोगों ने बताया? जी, हम लोग का जो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग का SC/ST के वर्गीकरण का जो दिया है फैसला दिया है उसको हम लोग विरोध और रोड जाम भारत बंद कर रहे हैं। और हमारे जितना बहुजन एकता, भीम आर्मी, हमारे जितने दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक सब हम लोग रोड पर है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे SC/ST/OBC को वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट बंद करें, न तो अगर हम लोग पूरा फैमिली अगर रोड पर आ जाएंगे तो से मिटा देंगे हम लोग। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप लोग? हाँ, कोर्ट के फैसले ही कर रहे हैं क्योंकि SC/ST में वर्गीकरण किया जा रहा है, ये हम लोगों के लिए भी हानिकारक है, सभी को सब बराबर है, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए रचना, तमाम जो बंद समर्थक है वो पटना के बाईपास एरिया में जो है सुबह से ही जो है बंद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बंद समर्थक हैं, इनके पीछे चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ मुझे बताइए क्या ये प्योरली सिर्फ कुछ संगठन है जिनके जरिए प्रदर्शन हो रहा है या फिर क्या पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें साथ है? देखिए इसमें जो है भीम आर्मी के साथ कुछ संगठन है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें बिहार में तो आरजेडी ने इस बंद का समर्थन किया है और आरजेडी ने कहा है कि जो बंद है बंद समर्थकों का उनका समर्थन उन्हें है। लेकिन फिलहाल आरजेडी के कोई कार्यकर्ता या कोई झंडे जो है सड़कों पे अभी फिलहाल देखने को अभी तक नहीं मिल रहे हैं। जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है वही सुबह से जो है बिहार की सड़कों पर मौजूद हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा समर्थकों की संख्या और भी बढ़ेगी और देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आरजेडी ने समर्थन तो कर दिया है लेकिन क्या सड़कों पर बंद समर्थकों के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता नजर आते हैं या नहीं। जी रचना,
ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, इस तरह के प्रदर्शन में सीधे इन्वॉल्व हों इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। मेरे साथ में मोहम्मद अफसर भी हैं। मोहम्मद अफसर, क्या दिल्ली में भी भारत बंद का असर है क्या? अगर है तो किस तरीके से? और साथ ही साथ जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, SC ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्रीमी लेयर जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और कैसे ये प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार मारा जा रहा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल रचना, सबसे पहले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बंद का कोई असर नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन जगहों पर असर जरूर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ की संभावना होती है तो दुकानदारों ने रिस्क नहीं लिया। हाँ। दिल्ली में बंद का कोई असर नहीं है। हम आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ, दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। 10 बजे से दुकानें खुलनी शुरू हो जाती हैं, 10 बजे तक सब खुल जाती हैं। मेरी बात हुई चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, मतलब CTI, उसके चेयरमैन से, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उनके चेयरमैन से। उन सब ने बताया कि दिल्ली में 100 से अधिक मार्केट एसोसिएशन है, उन सब से उनकी चर्चा हुई है। ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनसे समर्थन मांगा है, ना ही इन्होंने आगे बढ़ के समर्थन दिया है। और ये क्लियर किया है कि दिल्ली में 700 से अधिक बाजार है, वो सारे बाजार खुले रहेंगे। 56 से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सभी इंडस्ट्रियल एरिया खुले हुए हैं, हर इंडस्ट्रीज में काम चल रहा है, बाजार सभी खुलने शुरू हो गए हैं। मतलब दिल्ली में साफ तौर पर इसका कोई असर नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे BSP ने और साथ ही भीम आर्मी ने, इन्होंने समर्थन किया है ट्वीट करके। सुबह 7:45 के आसपास मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने SC ST को टारगेट किया था, उसी तरह से BJP SC ST को टारगेट कर रही है, और ये हम नहीं होने देंगे, और इसीलिए इस बंद का पूरा समर्थन करते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दलित आधारित कह सकते हैं, जैसे BSP है, तो वो इन तरह की पार्टियों ने पूरी तरह से समर्थन किया है, लेकिन दिल्ली में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। रचना, आप कह रहे हैं दिल्ली में कोई असर नहीं है। मेरे साथ में नीतीश झा मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या मुंबई में भारत बंद का असर है क्या? जी बिल्कुल नहीं रचना, बात महाराष्ट्र की करें और मुंबई की करें तो अभी तक मुंबई में इसका कोई असर नहीं है। जैसे मोहम्मद अफ्तर मेरे सहयोगी बता रहे थे, दिल्ली में दुकान खुलनी जो है शुरू हो चुकी है, वैसे ही मुंबई में भी जो है दुकान खुलनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा जो है वो चल रहे हैं, यहाँ पर जो लोग कामकाजी लोग हैं वो कामकाज पे भी जा रहे हैं, और मुंबई में अब तक इस भारत बंद का जो है असर नहीं देखने के लिए मिला है। लेकिन बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में भी अभी तक तो जो है कोई किसी तरह का बंद जो है वो नजर नहीं आया। हालांकि दोपहर तक तो देखना होगा कि मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र के अलग इलाकों में जो है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और बाकी अलग जो दलित बहुसंख्यक इलाके हैं उन इलाकों में जो है इसका असर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन मुंबई में अभी तक इसका कोई असर नहीं है। मुंबई में दुकानें खुल चुकी है। नीतीश, तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार, आप चारों तरफ तस्वीरें दिखा दीजिए, बंद का कोई असर नहीं, दुकानें खुल रही है। जी बिल्कुल रचना, तस्वीरों में दिखाऊंगा, यहाँ पर जो है लोगों आवाजाही शुरू है, काम पर जा रहे हैं कामकाजी लोग, और साथ ही जो दुकान है वो भी यहाँ पर खुलने शुरू हो चुके हैं। जो भारत बंद का ऐलान किया गया था वो जो यहाँ पर जो है फॉलो नहीं किया गया है, यहाँ पर दुकानें खुल चुकी है। और बता दें आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी जिसके बाद ये SC ST में वर्गीकरण की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो SC ST में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं, SC ST में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनमें क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन की जरूरत है, जिसके बाद जो है ये बंद का ऐलान किया गया और अलग अलग जगहों पर जो है ये बंद बुलाया गया है। बात करें मुंबई की तो मुंबई के कुछ इलाके ऐसे हैं, दादर समेत मालवनी, कलीना, जहाँ जो बहुसंख्यक इलाके हैं, दलित बहुसंख्यक इलाके हैं, जहाँ पर बंद का असर शायद देखने मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक कहीं पे इसका असर, खास असर देखने मिला नहीं है। हो सकता है कि अब से थोड़े देर में दोपहर होते होते हो सकता है इसका असर देखने मिले। आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़े वैसे वैसे इसका मिला जुला सा असर दिखे, लेकिन हाँ अभी तक की तस्वीरों में देश की राजधानी दिल्ली में बंद का कोई असर नहीं, और अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इसका कोई असर नहीं। लेकिन जैसा नीतीश कह रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है।